नमस्कार, मैं प्रिया। जो 26 मई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख हुई जारी। बिहार में येलो के साथ ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए टीका एक्सप्रेस चलाने की कही गई बात। स्वास्थ्य विभाग ने संविदा पर बहाल कर्मियों के मानदेय में की बढ़ोतरी। बिहार के उत्पाद को मिलेगा फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बुद्ध पूर्णिमा पर दिखेगा कोविड-19 का प्रभाव। आज बिहार समेत पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। वहीं आज के इस पावन अवसर पर कोविड-19 का प्रभाव पूरी तरीके से देखने को मिलने वाला है, जिसके तहत विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में श्रद्धालु भगवान बुद्ध का दर्शन कोविड-19 की वजह से नहीं कर पाएंगे। पिछले साल भी भगवान का दर्शन श्रद्धालु नहीं कर पाए थे, जिसके तहत एक बात तो साफ है कि पिछले साल की भांति इस साल भी वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का दर्शन आम श्रद्धालु को नहीं होगा। बोधगया में ना कोई श्रद्धालु की गहमागहमी होगी और ना ही पूर्व की भांति कोई विशेष कार्यक्रम होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाबोधि मंदिर में लाइव आज जुड़ने वाले हैं। बिहार में कोविड-19 के मिले 3000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 3306 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 35129 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 92, अरवल में 40, औरंगाबाद में 96, बांका में 5, बेगूसराय में 313, भागलपुर में 20, भोजपुर में 23, बक्सर में 21, दरभंगा में 102, ईस्ट चंपारण में 69, गया में 92, गोपालगंज में 148, जमुई में 23, जहानाबाद में 25, कैमूर में 20, कटिहार में 166, खगड़िया में 40, किशनगंज में 71, लखीसराय में 19, मधेपुरा में 67, मधुबनी में 57, मुंगेर में 47, मुजफ्फरपुर में 171, नालंदा में 113, नवादा में 19, पटना में 285, पूर्णिया में 208, रोहतास में 50, सहरसा में 48, समस्तीपुर में 237, सारण में 54, शेखपुरा में 21, शिवहर में 36, सीतामढ़ी में 73, सिवान में 114, सुपौल में 104, वैशाली में 95, वेस्ट चंपारण में 99 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 23 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों कलेक्ट किए गए। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 6015 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 144105 सैंपल की जांच की गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख हुई जारी। संयुक्त बीएड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद 15 जून के बजाय इस परीक्षा का आयोजन 11 जुलाई को किया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है, जिसके तहत बिना विलंब शुल्क के 5 जून तक फॉर्म भरा जा सकता है। वहीं विलंब शुल्क के साथ 8 जून तक आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है वो आधिकारिक वेबसाइट bihar-ctbd-lnmu.in पर जाकर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही 1 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। फॉर्म करेक्शन के लिए 9 से 10 जून तक का समय दिया गया है। छात्रों का कहना था कि लॉकडाउन के कारण साइबर कैफे नहीं खुले हैं, इसी वजह से आवेदन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जान गंवाने वालों का मांगा जिलावार ब्यौरा। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन सुनवाई करते हुए बिहार सरकार से कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों का पूरा ब्यौरा जिलेवार तौर पर मांगा है, जिसके बाद बीते दिन कोर्ट को मुख्य सचिव की ओर से बताया गया कि कोरोना मरीज की जान जाने के संबंध में सारा ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग के कोविड-19 पोर्टल द्वारा रखा जाता है। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि सभी स्रोत से कोविड-19 मरीजों की मृत्यु और उनकी उम्र का ब्यौरा इकट्ठा किया जाए। राज्य के AIIMS, IGIMS अस्पताल के निदेशक, सभी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट और सिविल सर्जन इस मामले में सभी कागजातों की जांच कर 10 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बीते दिन वैक्सीन की बड़ी खेप पहुंची राजधानी पटना। कोविड-19 के माहौल के बीच बिहार को वैक्सीन की सौगात मिली है, जिसके तहत बीते दिन राजधानी पटना में लगभग कोविशील्ड की 2,52,000 और कोवैक्सीन की 1,00,000 डोज पहुंचाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो के विमान से इन वैक्सीन को पुणे से पटना पहुंचाया गया है। एयरपोर्ट पर मौजूद राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारी ने इसे रिसीव किया। उन्होंने बताया कि पुणे से वैक्सीन आया है, जो कि 21 बॉक्स और 10 बॉक्स में है। निश्चित तौर पर वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मंगलवार को पटना वैक्सीन की डोज को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसके बाद निश्चित तौर पर संक्रमण काल में यह राहत की खबर बिहार के लिए सामने आई है। बिहार में येलो के साथ ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश देखने को मिली, जिसके बाद मौसम वैज्ञानिकों ने 27 मई तक आसमान में बादल छाए रहने और तेज हवा और जोरदार बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। साथ ही लोगों को घरों से नहीं निकलने की नसीहत दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कई जिलों में सुबह से ही बीते दिन तेज हवा के साथ बारिश देखने को मिली, जिसके बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तूफान का असर बिहार के सभी जिलों में होगा। बिहार के करीब 16 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। वहीं बिहार के 22 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा की। राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा एक भारतीय सिविल इंजीनियर और लेखक थे। सिन्हा कई पुस्तकों के लेखन भी कर चुके हैं, जिनमें शामिल थे गांधी कैंप और अन्य लघु कथाएं एवं डिकोडिंग ऋग्वेद विज्ञान के ज्ञान के लिए। सिन्हा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद सेंट जेवियर कॉलेज रांची से की थी। वहीं उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में संकाय के सदस्य के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बाद में वो बिहार राज्य बिजली बोर्ड में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 1996 में पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्ति होने से पहले अपने करियर के बाकी समय को बताया, जिसके बाद भारत सरकार ने तीसरा सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से 1962 में उन्हें सम्मानित किया था। वहीं बिहार सरकार ने भी एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की थी। स्वास्थ्य विभाग ने संविदा पर बहाल कर्मियों के मानदेय में की बढ़ोतरी। स्वास्थ्य विभाग ने संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय का नया निर्धारण कर दिया है, जिसके तहत संविदा कर्मियों के वेतन में 4000 से 10000 या इससे अधिक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश में कहा गया है कि संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों का मानदेय का निर्धारण मूल वेतन और महंगाई भत्ता और अन्य भाषा के आधार पर किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 30 पदों के मानदेय का निर्धारण 7 अगस्त 2019 को तत्कालीन बाजार दर पर किया गया, जिसके बाद 22 जनवरी 2021 के अनुसार वेतन का पुनः निर्धारण किया जाता है। बिहार के उत्पाद को मिलेगा फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट। बिहार के कृषि उत्पादक दुनिया के कोने कोने तक अब पहुंचाए जा सकेंगे, जिसके तहत निर्यात के लिए जरूरी फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट की सुविधा बिहार में मिलना अब संभव हो गया है, जिसके तहत सबसे पहले मुजफ्फरपुर की लीची का निर्यात दुबई और लंदन में किया जाएगा। लीची की पहली खेप 26 मई यानी कि आज दुबई भेजी जाएगी। लीची का निर्यात लंदन में भी किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पहला फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट मुजफ्फरपुर की शाही लीची को दिया गया है। सर्टिफिकेट के लिए दूसरे राज्य पर निर्भरता अब खत्म होने के कारण बिहार में कृषि निर्यात के लिए अवसर उत्पन्न होंगे। निर्यातकों का पैसा और समय भी बचेगा। इसको लेकर 2 कृषि अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। 54 दिनों में बिहार के 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी आए कोविड 19 की चपेट में। बिहार में जितनी तेजी से कोविड 19 आम नागरिकों को अपनी चपेट में ले रहा है, उतनी ही तेजी से पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आए हैं। हाल ही में पुलिस विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 54 दिनों में बिहार के लगभग 2339 पुलिसकर्मी कोविड 19 की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 32 लोगों की जान चली गई है। इनमें वर्तमान में भी 574 पुलिसकर्मी कोविड 19 के सक्रिय मरीज है। हालांकि पहली लहर के मुकाबले इस बार कम संक्रमण देखने को मिला है। पहली लहर में दिसंबर तक 5131 कर्मी संक्रमित हुए थे, लेकिन उस दौरान मात्र 26 लोगों की जान गई थी। वहीं पुलिसकर्मियों के टीकाकरण को लेकर खास काम भी किया जा रहा है। अब तक 68,000 पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने कोविड 19 वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है, जो कुल संख्या का लगभग 75% है। बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्ण गए दिल्ली। बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्ण को दिल्ली भेज दिया गया है, जिसके तहत उनकी प्रतिनियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्ण, जो बिहार में अपर पुलिस महानिदेशक से नागरिक सुरक्षा आयुक्त के पद पर पदस्थापित है, उन्हें बिहार सरकार ने विरमित कर दिया है, जिसके बाद कुंदन कृष्ण की सेवा गृह मंत्रालय भारत सरकार को सौंप दी गई है। वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर योगदान देंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुंदन कृष्ण लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान एडीजी हेडक्वार्टर के पद पर काम कर रहे थे। दिल्ली और बिहार के बीच चलने वाली कई स्पेशल ट्रेन हुई निरस्त। दिल्ली के साथ साथ यूपी बिहार समेत कई राज्यों में लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते भारतीय रेलवे कोई यात्री नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला जारी किया गया। इसी क्रम में बिहार को दिल्ली से जोड़ने वाली 2 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 2 स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने का फैसला सुनाया गया है। रेलवे प्रशासन ने बिहार को दिल्ली से जोड़ने वाली ट्रेन, जो कि बिहार के दानापुर से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच रफ्तार भरती है, उसे रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही राजगीर से पटना के अलावा सराय होते हुए नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण हुआ शुरू। फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसके बाद जिलाधिकारी अभिषेक सिंह निर्माण कार्य का निरीक्षण करने देवघाट फल्गु नदी पर व्यक्तिगत तौर पर पहुंचे थे और कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण से गायजी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद इस रबर डैम का निर्माण होने से वो श्रद्धालु जो पिंडदान तर्पण करने आते हैं, उनको सालों भर पानी मिलेगा। फल्गु नदी में पानी की कमी की समस्या से पिंडदान तर्पण के लिए दिक्कत होती थी, खासकर सितंबर महीने में बरसात शुरू होने से पहले काफी दिक्कत होती थी। इस निर्माण के बाद नदी में सालों भर पानी रहेगा, इससे पिंडदान तर्पण करने के लिए श्रद्धालुओं की पानी की समस्या से निजात मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह रबर डैम को जिस खास तकनीक से बनाया जा रहा है, वो इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे पहचान दिलाने में मदद करेगा।
बिहार के 75 लाख बच्चों में कम हुई सीखने की क्षमता। हाल ही में कोविड 19 के मामलों के बीच यूनिसेफ ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत बिहार के लगभग 75 लाख छात्रों की पढ़ाई में कम सीखने की क्षमता का खुलासा किया गया है। अंग्रेजी अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने यूनिसेफ के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार में लॉकडाउन के पिछले एक साल में 75 लाख से अधिक स्कूली बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है। स्टडी में कहा गया है कि बच्चों की पढ़ाई बंद होने की वजह ऑनलाइन सामग्री नहीं होना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन बच्चों की पढ़ाई बंद हुई है वो कुल 31% से अधिक है। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस रिपोर्ट के आने के बाद कहा कि इस मामले को हमने संज्ञान में लिया है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द बिहार में ऑनलाइन क्लास गति पकड़े और इसके लिए इन केंद्र में इक्विपमेंट की भी मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि दूरदर्शन के माध्यम से कक्षाओं का संचालन करवाया जा रहा है। गैरहाजिरी के बाद भी संविदा कर्मियों को मिलेगा मई महीने का वेतन। को शिथिल करते हुए बिहार सरकार ने अपने सभी कर्मियों को मई महीने का वेतन देने का ऐलान कर दिया है। यानी कि संविदा पर बहाल कर्मियों के वेतन पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके दायरे में सरकार के स्थायी कर्मियों के अलावा संविदा एवं आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले कर्मियों को भी रखा गया है। वित्त विभाग ने मंगलवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने इस मामले में पिछले साल लॉकडाउन की अवधि में वेतन के लिए जारी अपने परिपत्र के पालन का आदेश दिया है। गया मुजफ्फरपुर पश्चिम चंपारण और कटिहार में सड़कों का होगा चौड़ीकरण। सड़कों के चौड़ीकरण का काम गया मुजफ्फरपुर पश्चिम चंपारण और कटिहार में होने वाला है, जिसके तहत मजबूतीकरण और उन्नयन के लिए 176.43 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इसकी निविदा की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन योजनाओं के तहत 50.42 किलोमीटर पथ निर्माण में सड़क का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 2 उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण होगा। आपको बता दें बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पथों के जीर्णोद्धार को लेकर बीते दिन बैठक का आयोजन करवाया था, जहां पर ही उन्होंने उक्त फैसला सुना। इस दौरान बैठक में उन्होंने बताया कि स्वीकृत योजना के तहत सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, उन्नयन, उच्च स्तरीय RCC पुल, पहुंच पथ, क्रॉस ड्रेन पथ, पथ रोड सेफ्टी बचाव कार्य सहित पथ निर्माण से संबंधित विविध कार्य किए जाएंगे। सुशील मोदी ने बिहार के लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने में अन्य राज्यों के मुकाबले बताया पीछे। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार के लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने में अन्य राज्यों के मुकाबले काफी पीछे बताया है। इस बाबत सुशील मोदी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि पूरे देश में जहां कोरोना से पीड़ित 15,32,000 लोगों ने स्वास्थ्य बीमा के तहत 23,715 करोड़ का दावा किया है, वहीं बिहार के मात्र 6,458 लोगों ने 94,62,00,000 का दावा किया है, जबकि इस दौरान महाराष्ट्र के 5,51,000 लोगों ने 7,66 करोड़, कर्नाटक के 1,28,000 लोगों ने 1,961 करोड़, तमिलनाडु के 1,23,000 स्वास्थ्य बीमा धारकों ने 2,342 करोड़ रुपए का दावा किया है। इसके साथ ही सुशील कुमार मोदी ने लोगों से अपील की है कि बीमा कंपनियों द्वारा विशेषकर कोविड 19 के मद्देनजर कोरोना रक्षक और कोरोना कवच जैसी बीमा योजना का लाभ ले सके। बिहार में पश्चिम बंगाल से आने वाले हर यात्री की होगी कोरोना जांच। पश्चिम बंगाल से बिहार आने वाले हर यात्री का कोविड-19 जांच किया जाएगा। वह यात्री किसी भी साधन से बिहार पहुंचे बिना कोविड-19 जांच के उन्हें बिहार में प्रवेश नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कोरोना को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस आशय के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट अधिक रहने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन आयोजित किए गए बैठक में कई जिलों के DM भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। वहीं इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस मौके पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोरोना की अद्यतन स्थिति और जांच और टीकाकरण का अपडेट दिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए टीका एक्सप्रेस चलाने की कही बात। बिहार में कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, यही कारण है कि सरकार भी वैक्सीनेशन को और ज्यादा तेज करने की तरफ अग्रसर दिखाई दे रही है, ताकि आने वाले समय में और खासकर की तीसरी लहर में बिहार को खास दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन अपनी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए टीका एक्सप्रेस को चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 45 साल से ऊपर के लोगों में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए टीका एक्सप्रेस चलाया जा रहा है, जिसमें एक दिन में वाहन को अधिकतम 200 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ब्लैक फंगस जैसी महामारी से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना पर काम करने की बात कही है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। लालू प्रसाद यादव जब से जेल से बाहर आए हैं लगातार ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ट्विटर पर ट्वीट जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि नीतीश को इसे बिहार का अजूबा बना देना चाहिए। नीतीश, तुम्हारे कागजी विकास की पोल पट्टी खुल चुकी है, बचना है तो अब फिर से 30 बरस पहले का कथित जंगलराज का राग अलपाओ। हमारे शासनकाल में निर्मित और संचालक हजारों स्वास्थ्य केंद्र तुम्हारी अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं।
बारहवीं की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जारी किया बयान। बारहवीं की परीक्षा को लेकर लगातार गहमागहमी की स्थिति देखी जा रही है, जहां पर परीक्षा के आयोजन करवाए जाने और रद्द किए जाने पर विचार विमर्श चल रहा है। इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि मौजूदा हालात में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक संभावित तारीख की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा भी एक विकल्प है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि परीक्षाओं के नतीजे विद्यार्थियों के जीवन में लंबे समय तक प्रासंगिक रहते हैं। हालांकि मौजूदा हालात में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक संभावित तारीख की घोषणा की जानी चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1957 में बंबई में जनता बीमा पॉलिसी की शुरुआत हुई। 1999 में इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के तीन उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। 1999 में सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 318 रन की भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत और जर्मनी के बीच 2007 में रक्षा समझौता संपन्न हुआ। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा का निधन 1986 में हुआ। प्रसिद्ध क्रांतिकारियों से एक छगन राज चौपासनी वाला का जन्म 1912 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरताज सिंह का जन्म 1940 में हुआ। बीसीसीआई ने देश भर में 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करवाने का किया ऐलान। कोविड 19 के वर्तमान स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई ने अब देश में मदद का हाथ आगे बढ़ाया, जिसके तहत बीसीसीआई ने देश के विभिन्न चिकित्सा संगठनों के बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर बीसीसीआई की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि वो 10 लीटर के 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का योगदान देगा, जिससे देश को इस महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। सभी इस घातक वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यहां तीसरी लहर का भी अंदाजा लगाया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि वो अगले कुछ महीने में सभी कंसंट्रेटर को पूरे देश में वितरण करेगा, जिससे गंभीर रूप से पीड़ित लोगों की जान बचाई जा सके। फेसबुक ने भारत सरकार के आईटी नियमों का पालन करने की कही बात। सोशल मीडिया पर लगातार खबरें सामने आ रही थी कि फेसबुक और ट्विटर जैसे एप्लीकेशन 26 मई से बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि इन सभी के बीच फेसबुक ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत फेसबुक ने कहा कि भारत में परिचालनगत प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए काम कर रही है और उसका उद्देश्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना है। फेसबुक ने कहा है कि वो सरकार के साथ उन मुद्दों पर विचार जारी रखे जिन पर अधिक संपर्क रखने की जरूरत है। आपको बता दें, सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कड़े नियमों की घोषणा की थी। इसके तहत कंपनियों को किसी भी सामग्री पर प्राधिकरण की तरफ से चिंता जताए जाने पर 36 घंटे में हटाना होगा। साथ ही एक मजबूत शिकायत निपटान प्रणाली स्थापित करनी होगी। शिकायत मतदान अधिकारी देश में ही बैठेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,000 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,000 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 94.53 रुपए प्रति लीटर और डीजल 88.32 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम मांझी, शाहनवाज हुसैन, शहबाज आलम, गौतम पंडित, रंजीत मेहता, रानी कुमारी, सोनू सम्राज ऑफिशियल, मुकेश कुमार पासवान, पवन कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, विकी कुमार, आलोक कुमार, पंकज कुमार, पवार, मयंक। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोविड 19 के कारण शिक्षा से दूर जा रहे छात्रों को वापस से शिक्षा की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।